गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम अरुण तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स इन शांति निकेतन जुबली स्कूल। आज के एक्सपोनेंट एंड पावर के टेस्ट सीरीज के सेवेंथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए टेस्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। इसको पावर का साइन निगेटिव है तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लिख लेंगे, माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा और तब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस थ्री बाई टू इंटू माइनस थ्री बाई टू इंटू माइनस थ्री बाई टू डेट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन बाई एट। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव स्क्वायर इंटू थ्री बाई फाइव। इसका पावर माइनस थ्री है, इसको सॉल्व करना है। वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होगा, इसमें भी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रहेगा, फाइव बाई थ्री का क्यूब हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो गया इसमें। फिर अब इसको क्या करेंगे, ऐसे ही चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्टी सिक्स बाई सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी सेवन कैंसिल होगा, फाइव आइए नाइन से तो थ्री, यहाँ फोर, यानी फोर बाई फिफ्टीन। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, टू टू दी पावर वन प्लस थ्री टू दी पावर माइनस वन डिवाइड बाई फोर टू दी पावर माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे। वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई फोर, ये होगा सिक्स, थ्री प्लस टू वन बाई फोर यानी फाइव बाई सिक्स इंटू फोर। टेन बाई थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, थ्री बाई फोर टू थ्री इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बेस माइनस थ्री बाई फोर है, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको अब हम पॉजिटिव यदि वैल्यू इसका लिखें तो माइनस फोर बाई थ्री का पावर ट्वेंटी फोर हो जाएगा। इसको आगे चूंकि ट्वेंटी फोर है, यहाँ इवन नंबर है, इसलिए माइनस का साइन हट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, बाई व्हाट नंबर माइनस थ्री
टू द पावर 1 इज मल्टीप्लाइज सो दैट प्रोडक्ट इज 6 टू द पावर माइनस 6. लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स मीन्स मल्टीप्लाइड नंबर बी एक्स देयरफॉर माइनस 3 टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस 1. इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 बाई माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x इज इक्वल टू माइनस 3 x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 6 देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हेंस मल्टीप्लाइड नंबर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर माइनस 1 बाई 2. क्वेश्चन 6 है. नाइन टू द पावर माइनस 1 इंटू 4 स्क्वायर बाई 6 टू द पावर माइनस 2 इंटू 8. इसको सॉल्व करना है तो पहले निगेटिव जिसका पावर है उसको पॉजिटिव कर लेंगे न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में चेंज करके. तो 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर बाई 9 इंटू 8 ये हो जाएगा 36 इंटू 16 बाई 9 इंटू 8. 9 से 36 4 होगा, 8 16 2 होगा, दैट इज इक्वल टू 8. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 2 बाई 5 टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 2 बाई 5 x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 3. तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 बाई 5 दोनों का बेस है लेकिन पावर तो डिफरेंट है तो बेस इक्वल है तो पहले पावर से सेकंड पावर माइनस होगा डिवाइड के केस में और राइट साइड में माइनस 2 बाई 5 का पावर 3 रहेगा. ये हो जाएगा माइनस 4 बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. बेस इक्वल है तो बेस साइलेंट हो गया. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 7. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्रेस गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सेवन पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. 7 3 2 4 इंटू 10 टू द पावर 3. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में वन डिजिट रखेंगे जो डेसिमल जो जीरो नहीं हो तो यहाँ
इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो 4 के राइट साइड में डेसिमल मान लेंगे और ये ट्रांसफर होगा 3-7 के बीच में, यानी 7.324 3 प्लेस तक है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, और फिर 10 क्यूब पहले से है तो उसको लिखना पड़ेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7.324 × 10³ + 3 दैट इज इक्वल टू 7.324 × 10⁶, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, −3.104 × 10⁻¹। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में लिखने का मतलब कि 10⁻¹ है, इसको हटा देना है, डेसिमल जिस जहां जाए वहां उसको ट्रांसफर कर लिखना है। तो ये देखिए 3.104 है, अब 1/10⁹ हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गया। फिर आगे यदि इसको सॉल्व करेंगे तो या तो इसको हम 9 प्लेस उधर ट्रांसफर करके लिख देंगे, आ नहीं तो चाहेंगे तो वन थाउजेंड होगा, आई 1 पर 90 यहां लिखना पड़ेगा। इसको और आगे सॉल्व करें तो 3104 2, 4, 6, 8, 12 होगा 1 पर, और तो इसको डेसिमल में कैसे, तो यहां तो 4 डिजिट है ही, 1 डिजिट और होना चाहिए तो 10 हम कर देंगे, 2, 4, 6, 8, 3, 1, 0, 4 यही इसका यूजुअल नोटेशन हो गया। तो बस आज इतना ही, चैप्टर फिनिश हो गया।